कोरोना संक्रमण के दौरान चल रहे लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों के सामने खाने और राशन की बड़ी समस्या हो रही है। ऐसे में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को निःशुल्क खाना और राशन उपलब्ध करवा रही हैं। जयपुर में परमहंस धाम की मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सतपाल महाराज की प्रेरणा से जरूरतमंदों को 500 किट सूखा राशन वितरित किया गया। आश्रम प्रभारी ने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत में शहर के अधिकांश लोगों ने जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाया, लेकिन अब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सूखा राशन वितरित करने का काम किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। आज सतगुरु सतपाल जी महाराज की असीम कृपा से जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कोरोना महामारी को देखते हुए आज लोग परेशान हो रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरु महाराज की कृपा से, शाकंभरी देवी जी की आशीर्वाद से आज इस आश्रम में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। मैं आश्रम के सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि कोरोना की इस महामारी में आप आगे आए। इस पुण्य कार्य के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। धन्यवाद। ये हमारा कार्यक्रम, हमारा संस्था मानव उत्थान सेवा समिति है, जिसके संस्थापक सदगुरुदेव सर सतपाल जी महाराज हैं। उनकी प्रेरणा से हम लोग ये जो खाद्य सामग्री है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों को राहत मिले, ये राहत सामग्री बांटी जा रही है। और हमारे देश विदेश में सभी जगह हमारी संस्थाएं हैं, जहां जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से हम लोग ये खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। आज हमारे इस जयपुर में भी, यहाँ पर भी हम लोगों ने शुरुआत की है और ये कार्यक्रम हमारा जारी रखने का है। जैसे जैसे लोगों की मदद हम कर सकेंगे, आवश्यकता होगी